साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पीएम मोदी की मां का निधन, हरियाणा सीएम मनोहर बोले 100 वर्ष का तपस्वी जीवन जिया। हुड्डा ने कहा मां का जाना बेहद दुखद। पीएम नरेंद्र मोदी की मां का निधन, पंजाब सीएम भगवंत मान बोले मां का जाना जीवन की सबसे बड़ी न पूरी होने वाली कमी। छह देशों से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर जरूरी, जनवरी से 72 घंटे पुरानी निगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। सीबीआई ने 91 जगहों पर छापेमारी की, फर्जी सर्टिफिकेट्स के आधार पर मेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन का मामला। एमसीडी ने दिल्ली पुलिस को लिखा पत्र, बीजेपी नेता पर लगाए सफाई कर्मचारी से मारपीट का आरोप, वर्मा बोले आप छवि खराब कर रही है। रेड कॉरिडोर में फंसे नक्सली, झारखंड का सबसे बड़ा लीडर जंगलों में घिरा, पर छत्तीसगढ़ का बस्तर अभी भी नक्सल राजधानी। चुनाव से पहले मुंबई सरकार का बड़ा फैसला, कर्नाटक में बोकालियो और लियांगत को मिलेगा आरक्षण। हिमाचल में पहाड़ों ने उड़ी सफेद चादर, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, सैलानियों के चेहरे खिले। शहर राज्य से दूर होने पर भी डाल सकेंगे वोट, चुनाव आयोग का रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार, 16 जनवरी को डेमो होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने 2047 के लिए विजन तैयार करने का आह्वान किया, बोले एक मंच पर आए केंद्र शासित प्रदेश। पीएम मोदी की मां हीराबा नहीं रही, मोदी ने मां को मुखाग्नि दी, अंतिम सफर में पार्थिव देव के साथ शव वाहन में ही बैठे रहे। माहिराबा के लिए पीएम मोदी ने लिखा ब्लॉग, लिखा मुझे जो मां का प्यार मिला, अफसोस वो उनको कभी नहीं मिल सका। पीएम मोदी की मां का देहांत, हिमाचल सीएम ने जताया शोक, सुक्खू बोली भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। पीएम की मां का निधन, दिग्गज जता रहे शोक, प्रियंका बोली ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दे। गुजरात पुलिस की टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले पर फिर कार्रवाई, 1 महीने में 3री बार किया गिरफ्तार। एमएलसी चुनाव का बजा, बिकुल 1.25 लाख ग्रेजुएट और 13,000 शिक्षक चुनेंगे एमएलसी, 3 जिलों में होगा मतदान। इटावा में निजी बस ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, सुबह गुड़गांव से बस लेकर आया था। कौशाम्बी में सस्पेंड डीपीओ की जेल की पहली रात, रोटी दाल मिली पर खाया नहीं, आंखों से बहते रहे पश्चाताप के आंसू। गोरखपुर छात्रा सुसाइड में नया खुलासा, मरने से पहले 5 घंटे तक न्यूड वीडियो डिलीट करने का इंतजार किया, फिर पड़ोसियों से मदद मांगी।
एडीजी बीआर मीणा से साइबर फ्रॉड आरटीसी के कर्मचारी वन ठगों ने खाते से निकाले 15,000 रुपए। आगरा में न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग, पहले वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट लिया, पति को भेजने की धमकी दी। फर्जी वोटर आईडी से बनवा रहा था पासपोर्ट, बाराबंकी का हिस्ट्री शीटर लखनऊ में अरेस्ट, क्षेत्र पंचायत सदस्य मांगी थी रंगदारी। प्रयागराज में निवेशकों के 1.5 करोड़ लेकर कंपनी फरार, ब्याज का लालच देकर जमा करवाए थे रुपए, 14 निवेशकों ने दर्ज कराया मुकदमा। सहारनपुर में टीबी से 3 सालों में हुई 875 मौतें, 2022 में 12,000 मरीजों को खोजने का टारगेट मिला था। कुशीनगर में सचिव ने 300 रुपए की ली घूस, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर ली रकम, कारण बताओ, नोटिस जारी कर दी गई। फतेहपुर जिला अस्पताल में 5 साल के बच्चे की मौत, परिजन बोली 5 दिन से बच्चे को देखने को नहीं आए डॉक्टर, इलाज में बरती लापरवाही। वाराणसी में पारा 6 डिग्री और विजिबिलिटी 50 मीटर, घने कोहरा के चलते 108 यात्रियों को लेकर वापस मुंबई लौटा विमान। औरैया में विधायक ने गोद लिए स्कूल को दी कुर्सियां, कार्यक्रम के दौरान बुजुर्गों को बांटे कंबल, बच्चों को भेंट किया स्वेटर। रायबरेली में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, खेत की रखवाली करने गया था। रायबरेली में रोटरी क्लब ने गरीबों को दिया कंबल, अध्यक्ष बोली समाज के जरूरतमंद लोगों को और निचले तबके लोगों की ध्यान रखता है। बलरामपुर में डीएम एसपी ने किया शहर का निरीक्षण, जरूरतमंदों को बांटे कंबल, रैन बसेरों का लिया जायजा। उन्नाव में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, बोले जमीन बैनामा को लेकर विवाद में मार डाला। अमेठी में नशे में धुत सिपाहियों ने युवक को पीटा, जायज थाने पर लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने दंपति को साथ रहने को किया राजीव, बिजनौर परामर्श केंद्र में समझा कर मन मुटाव कराया दूर, साथ में गए घर। ललितपुर में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत, पिता बोले डॉक्टरों ने झांसे रेफर किया था, पैसा नहीं था इसलिए नहीं ले जा पाए। कैराना में 5 घंटे विश्राम करेंगे राहुल गांधी, 5 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा आएगी, 4 सेक्टर में बांटा गया ऊंचा गांव। जालौन में किसान के घर बदमाशों ने की लूट, मकान मालिक की हुई भिड़ंत, पड़ोसी को बदमाशों की मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। इटावा में हलवाई को मारी गोली गंभीर अवस्था में, सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर, घर से दूध लेने निकले थे सुबह। गाजियाबाद में बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, घर के बाहर चारपाई पर सोया था वृद्ध, खून से लथपथ मिला शव, चेहरे पर भी चोट के निशान। मुजफ्फरनगर में बीएसएनएल की पाइप चोरी करते 2 पकड़े गए, बीएसएनएल कर्मियों ने दोनों को पुलिस ने सौंपा।
प्रेम की मां के निधन पर योगी ने दी श्रद्धांजलि, लिखा बेटे के लिए मां पूरी दुनिया। मायावती का ट्वीट, उन्हें दुख सहन करने की ताकत मिली। इक्कीस हिरणों के मामले में 3 अरेस्ट, आनंद कानन बिरला हाउस परिसर, आवारा कुत्ते नोच खाए थे, पोस्टमार्टम में शॉक से मौत। गाजियाबाद में रेलवे कर्मी से सेक्सटॉर्शन, क्राइम ब्रांच व सीबीआई अफसर बनकर धमकाए, वीडियो हटाने के नाम पर 50,000 लिए। मंत्री बनने के बाद पहली बार मथुरा पहुंचे तेज प्रताप, वृंदावन की गलियों में घूमते दिखे, राजनीति के सवाल पर बोले, यहां हम कुछ नहीं बोलेंगे। सुल्तानपुर में ससुराल जा रहे युवक पर जानलेवा हमला, घात लगाकर बैठे हमलावरों ने फायर मिस होने पर असलहे के बट से मारा, एफआईआर दर्ज। सड़क दुर्घटना में ऋषभ पंत बुरी तरह से घायल, खुद चला रहे थे कार, ब्लैक स्पॉट पर हुआ हादसा। मां को सरप्राइज देने आ रहे थे ऋषभ पंत, नए साल पर बनाया था उत्तराखंड में घूमने का प्लान। ऋषभ पंत की मर्सिडीज का दुर्घटनाग्रस्त, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाना हाल, कहा राज्य सरकार उठाएगी इलाज का सारा खर्च। हादसे के बाद कई बार पलटी कार, ऋषभ पंत की मदद करने के बजाय उनके पैसे लेकर भागे युवक। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ों का भंडाफोड़, कांग्रेस के जिला संगठन मंत्री रेणु नौटियाल गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बा के निधन पर उत्तराखंड में शोक, सीएम धामी ने व्यक्त किया दुख, बाबा केदार से की प्रार्थना। उत्तराखंड में चमोली में चीन सीमा के पास घूमते दिखे दो संदिग्ध, सेना ने दबोचे, खुफिया एजेंसी कर रही पूछताछ। अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, एक भी मरीज नहीं मिला, अधिकारियों पर गुस्सा फूटा। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में प्रशासन सख्त, पेपर लीक मामले में शामिल गैंग के 2 सदस्यों की संपत्ति जल्द होगी जब्त। उत्तराखंड में नीम बीच के पास गंगा में डूबे मेरठ के यूट्यूबर का शव बरामद, प्रोजेक्ट पर काम करने आया था योगी नगर। उत्तराखंड वित्त मंत्री अग्रवाल के बेटे पर जमीन खरीद में राजस्व चोरी का आरोप, जमीन खरीदते हुए पैसा खाते में भी जमा नहीं हुआ। उत्तराखंड में बेटे के दोस्त ने लोन के गारंटी के नाम और बुजुर्ग महिला से ठगे, 5,00,000 रुपए का मामला दर्ज हुआ। नए साल से पहले मसूरी में सीजन का पहला हिमपात, पर्यटक खुश और भारी बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड के चंदौली में चोरों ने ग्राहक सेवा केंद्र को भी नहीं छोड़ा, सेंटर के पीछे का दरवाजा तोड़कर सारे पैसे ले गए। अंकिता हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का धरना, राजनीति गरमाई। साउथ चाइना सी में आमने सामने आए चीन और अमेरिकी विमान, चीनी पायलट पर खतरनाक पैतरेबाजी के आरोप।
दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन में 24 घंटे में 9000 मौतें, अमेरिका प्लेन बंद के बारे में नए वेरिएंट्स की जांच करेगा। आंग सान सू की सजा 7 साल के लिए बढ़ी, म्यांमार की मिलिट्री कोर्ट ने 5 नए मामलों में आरोपी ठहरा है, 33 साल जेल में गुजारेंगी। क्रीमिया में 4 भारतीय अमेरिकन छात्रों की मौत, बेहद दर्दनाक हादसे में गई जान। चीन में कोविड के गंभीर हालात से WHO चिंतित, कोरोना संक्रमित के इलाज व टीकाकरण में संगठन मदद देता रहेगा। छठवीं बार पीएम बने बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल में अब तक की सबसे कट्टरपंथी सरकार, फिलिस्तीन से संघर्ष की आशंका। चालीस डिग्री तापमान में जिंदगी, रूस में याकूतस्क में लोग बर्फ को गर्म कर पानी पीते हैं, कई दिन सूरज नहीं निकलता। यूरोप में नया खतरा, जर्मनी इटली में नाजी समूह मजबूत हो रहे हैं, कट्टरपंथी ग्रुप हथियार जुटाने में लगे हुए हैं। UAE में सरकारी कर्मचारियों को 1 साल छुट्टी, इस दौरान अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगे, 50% सैलरी मिलती रहेगी। पाकिस्तान में हिंदू महिला का ब्रेस्ट और सिर काटा, मौत से पहले चेहरे से चमड़ी निकाली, सड़कों पर उतरे स्थानीय लोग। भोपाल और इंदौर में जियो की 2 5G बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज दिए स्पीड से डेटा यूज कर सकेंगे यूजर्स। FD और RD पर अब मिलेगा ज्यादा रिटर्न, कोटक महिंद्रा बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा भारत का करंट अकाउंट डिफिसिट, दूसरी तिमाही में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर। सरकार ने बदले सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने बेचने के नियम, रजिस्टर्ड डीलर ही खरीद या बेच पाएंगे व्हीकल। रिलायंस ने खरीदी लोटस चॉकलेट में 51% हिस्सेदारी, कंपनी के शेयर में 5% का अपर सर्किट। दोगुनी होगी भारत की ऑटो इंडस्ट्री, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा, साल 2024 तक इंडस्ट्री को 15 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। एक जनवरी से KYC के बिना नहीं खरीद सकेंगे बीमा, पुराने पॉलिसी धारकों पर भी होगा लागू। ऑस्ट्रेलिया संग 5 साल में $70 अरब का कारोबार समझौता, ऑस्ट्रेलिया को चीन से दूर रहने में करेगा मदद। RBI की रिपोर्ट में दावा, फंसे कर्ज का बोझ 7 साल में सबसे कम, चालू खाता घटेगा दुगुना। मंदी के हालात में पाकिस्तान, वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा, यह मेरी नहीं सिस्टम की गलती। कुमार संगकारा का हार्दिक पर बयान, बोले बदलाव से नहीं बच सकते लेकिन हार्दिक पांड्या के पास सफलता हासिल करने की काबिलियत। ऐसी हरकत कर रहे हैं जैसे बच्चे का खिलौना छीन लिया गया हो, पूर्व कप्तान सलमान बट भी PCB के पूर्व मुखिया रमेश राजा पर बरसे।
राशिद खान को सौंपी गई अफगानिस्तान की टी20 की कमान, 2021 विश्व कप में कप्तानी करने से कर दिया था मना। पाकिस्तान के दिग्गज पेसर वहाब रियाज का छलका दर्द, मैसेज का जवाब तक नहीं देते रमीज राजा। भारतीय फुटबॉल के दीवाने थे पेले, 1977 में भारत आकर मोहन बगान के खिलाफ खेला था मैच। महान फुटबॉलर पेले का निधन, 82 साल की उम्र में साओ पाउलो के अस्पताल में लिए अंतिम सांस, पेट के कैंसर से पीड़ित थे। ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट, गंभीर चोटें आई, जलती हुई कार की खिड़की तोड़कर बाहर निकली मां को सरप्राइज देने घर जा रहे थे। कराची टेस्ट में विलियमसन का दोहरा शतक, 612 पर डिक्लेयर की पहली पारी, पाकिस्तान ने गवाए 2 विकेट। भारत दौरे से पहले श्रीलंका ने शुरू किया अभ्यास, कोलंबो में खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना। टीम इंडिया के कोच पद से होगी राहुल द्रविड़ की छुट्टी, विदेशी कोच की तलाश में जुटा बीसीसीआई। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन, कंगना रनौत से लेकर अक्षय कुमार तक कई बॉलीवुड स्लिप ने जताया शोक। दो हफ्तों में अवतार 2 ने कमाए 8,200 करोड़ रुपए, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त प्रदर्शन, ब्रह्मास्त्र स्केल लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ा। इमोशनल हुई मलाइका अरोड़ा, बहन अमृता अरोड़ा से बोला, जब मुझे जरूरत थी तुम नहीं थी मेरे साथ। इंडिगो एयरलाइन पर भड़के सूफी सिंगर, बिस्मिल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को कचरे की तरफ फेंकने पर जताई नाराजगी। बिग बॉस 16 में शालिन भनोट ने सलमान खान से लिया पंगा, होस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं करण जौहर। जल्द दूसरी शादी का प्लान बना रही मलाइका, शादी में मिलेगा मां का डायमंड, कंगन बोली मैं कंगन की हकदार हूं। कलर के नाम पर गाने में बदलाव करना सही नहीं, पहलाज निहलानी बोली भगवा रंग वाले हिस्से को हटाने के लिए मिनिस्ट्री का प्रेशर होगा। योगा क्लास के बाहर दिखी आलिया भट्ट, मां बनने के कुछ ही समय बाद परफेक्ट शेप में आई नजर, फैंस ने की तारीफ। भारत में रिलीज नहीं होगी पाकिस्तानी फिल्म सेंसर बोर्ड ने अंतिम समय पर लिया फैसला, 30 दिसंबर को होगा अंतिम फैसला, रिलीज होनी थी द लेजेंड ऑफ मौला जट। तोनिशा की मां का दावा, ड्रग्स लेता था शीजान, आरोपी ने एक्ट्रेस को 3 महीने से ट्रैप कर रखा था, उसे उर्दू सिखा रहा था। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।